चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन और उसके बाद प्रेस कीजिए बेल आइकन। डिलीट फेसबुक, ये कैंपेन इन दिनों चल रहा है ऑनलाइन। आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा इसके बारे में या वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में। तो क्या है ये डिलीट फेसबुक कैंपेन और ये क्यों चल रहा है और क्या सचमुच आप लोगों को फेसबुक डिलीट कर देना चाहिए, तो इसी के बारे में है ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमलान शर्मा और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल अमलान टॉक्स। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग शायद देख रहे होंगे टीवी में या पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में या यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस देखे होंगे कि कैसे एक डाटा एनालिसिस कंपनी जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसने 2016 में जो यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट को मैनिपुलेट किया था, वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया था और उसके रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट को कैसे उसने पलट दिया था। और अब इंडिया में भी कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से जो डाटा चोरी हुई है, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूज़ किया है, उसके बारे में चर्चा चल रही है क्योंकि 2019 में इंडिया में भी लोकसभा का इलेक्शन है। हमारे इंडिया में बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ऐसा ही कुछ इंडिया में भी 2019 में करने जा रहा है और कांग्रेस का जो पलटवार है उसने कहा है कि बीजेपी ऑलरेडी कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो सर्विस है वो ऑलरेडी उसने अवेल किया है, पहले ही उसको इस्तेमाल कर चुका है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, 2016 में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी को सपोर्ट किया था और जो फेसबुक से डाटा छुड़ा के, अभी ये कहा जा रहा है कि फेसबुक से डाटा छुड़ा के उसने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में मदद की थी। तो कैसे इस तरह से एक डाटा एनालिसिस कंपनी आपके FB डाटा को सुधार सकता है और एक पार्टी को इलेक्शन जीतने में मदद कर सकता है। एक्चुअली अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका के जैसे कंपनी को अगर आपके FB एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाए तो आपका जो वोटिंग डिसीजन है, आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसको कैम्ब्रिज एनालिटिका के जैसे कंपनी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कैम्ब्रिज एनालिटिका के जैसे कंपनीज को डाटा कहाँ से मिलता है, फेसबुक, ट्विटर, इन सब सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो है उनसे उन लोगों को डाटा मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर अपने फेसबुक में अपडेट करें, स्टेटस अपडेट करें कि कल मैं खाना खाने गया रेस्टोरेंट में और बिल बहुत ज़्यादा आया क्योंकि GST बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ आपने फेसबुक में अपडेट कर दिया। तो अब अगर ये जो आपने फेसबुक में पोस्ट किया है उसका डाटा अगर फेसबुक से जाके कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे डाटा एनालिसिस कंपनीज को मिल जाए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कुछ आर्टिकल्स, वीडियोस या वेबसाइट के लिंक्स भेज सकते हैं जिसमें इंडिया के जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनका जो व्यू है GST के बारे में वो आपको भेज सकते हैं। तो आप लोग वो आर्टिकल्स या जो वेबसाइट के लिंक्स या वीडियो वो सब पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको लग सकता है कि GST के आने से पूरा देश ही बर्बाद हो गया है, तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और अगले जो इलेक्शन है 2019 में तो आप ऑपोजिशन को वोट दे सकते हैं, जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट चला रहा है उसको वोट ना दे के आप ऑपोजिशन को वोट दे सकते हैं। तो ऐसे आपके ही डाटा को यूज़ करके ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के जैसे जो डाटा एनालिसिस कंपनीज है ये आपके वोटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है ये कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे कंपनीज को कहाँ से मिलते हैं, फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट से। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये जो कैंपेन चल रहा है डिलीट फेसबुक का, आपको सिर्फ फेसबुक का डाटा लेके ही इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में वीडियोज आते हैं उसमें भी बीजेपी को गाली दिया जाता है, कांग्रेस को गाली दिया जाता है, उससे भी आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सिर्फ फेसबुक के डाटा चोरी करने से, फेसबुक के डाटा हैक हो जाने से ही आप लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, और भी मीडियम है जिससे आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। TV के न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर से इन्फ्लुएंस होते हैं।
तो इन्फ्लुएंस होने का बहुत सारा मीडियम है, सिर्फ फेसबुक डिलीट कर देने से ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। और इंडिया के इलेक्शन को देखें तो इन्फ्लुएंस करने की अगर बात है तो इंडिया में पैसा दे के भी वोट खरीदा जाता है, दारू पिला के भी वोट खरीदा जाता है और धमकी दे के भी वोट दिलवाया जाता है। तो इन्फ्लुएंस उस तरह से भी होता है, सिर्फ फेसबुक को डिलीट कर देने से, फेसबुक के डाटा चोरी हो जाने से ही आपका वोट का जो डिसीजन है, आपका वोटिंग का जो डिसीजन है वो चेंज नहीं हो जाता है। तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पार्टी को वोट करते हैं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो आपको ये सब जो इन्फ्लुएंस करने की जो साजिश चल रही है, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के जैसे जो कंपनीज है वो जो साजिश कर रहे हैं कि आपको इन्फ्लुएंस किया जाए वोटर्स को, वो सब बंद हो जाएगा अगर आप खुद डिसीजन लेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे ओपिनियन से फेसबुक को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फेसबुक आराम से चलाते रहिए, सिर्फ जब वोटिंग का टाइम आए तब आप खुद डिसीजन लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने ओपिनियन नीचे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।